नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। मूल के गांगलवाड़ी गांव समीप खेतों में 1.5 साल की पट्टेदार बाघिन मृत अवस्था में दिखने से गांव परिसर तथा वन विभाग में मची खलबली। किसान खेतों में सुबह के दौरान पानी देने गया, तब उसे बाघिन दिखाई दी, किंतु वह सो रही है सोचकर किसान वहां से भाग निकला और अन्य लोगों के साथ वन विभाग को खबर दी। काफी समय बीतने के बाद भी बाघिन वहीं दिखाई दी, जिसके बाद बाघिन मृत अवस्था में होने की खबर फैली और लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि बाघिन की मृत्यु का कारण समाचार मिलने तक अस्पष्ट है। कोरखना में नाबालिका पर हुई अत्याचार का विरोध करते हुए भाजपा महिला आघाड़ी हुई आक्रामक। भरी बरसात में आक्रोश मोर्चा निकालते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग सैकड़ों महिलाओं ने की। दत्तनगर नागपुर रोड चंद्रपुर में पान मटेरियल विक्रेता प्रेम कुमार बाबूराव बेले के घर में गुप्त जानकारी के आधार पर एलसीबी ने मारा छापा। इस दौरान घर और दुकान से कुल 7,58,096 रुपए का अवैध सुगंधित तंबाकू जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुप्त जानकारी के आधार पर छापा मारते हुए एक और कार्रवाई शिवाजी नगर गोंड पिपरी में की गई, जिसमें पान मटेरियल विक्रेता पुरुषोत्तम बलिराम कोसरे को गिरफ्तार कर 1,74,880 रुपए का सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया। भद्रावती में 7 वर्षीय नाबालिका का विनय भंग करने की घटना प्रकाश में आई है। इस मामले में आरोपी नीलेश राजेश्वर चटपल्लीवार उम्र 37 को गिरफ्तार किया गया। जानकारी है कि इस आरोपी ने नाबालिग के वस्त्र निकाले और उसके पेट पर मुक्के मार उसे जख्मी किया। 5 अक्टूबर को यह घटना घटी और अब पेट में दर्द उठने पर घर वालों के समक्ष इस मामले का खुलासा हुआ। भद्रावती शहर में विजासन बुद्ध लेनी में 21 जुलाई से 17 अक्टूबर यानी आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन बिन पूर्णिमा तक वर्षावास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज 9 अक्टूबर को इसका समापन कार्यक्रम ऐतिहासिक विजासन बुद्ध लेनी में वर्षावास आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। चंद्रपुर मनपा द्वारा ठेका कर्मियों का पठानपुरा गेट के बाहर मल निस्तारण का कार्य शुरू है और 8 अक्टूबर को पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर पर मिट्टी की ढलान गिरने से मिट्टी के मलबे में दबकर मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम पवन मदनेलवार उम्र 26 होकर काम के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुविधाओं के अभाव में मजदूर की मृत्यु होने की चर्चा की जा रही है। चिमूर वन परिक्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर उप वन क्षेत्र के नवतलाब बीट में संरक्षित जंगल से रेत भरे हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वन कर्मचारी गश्त पर निकले तब उन्हें ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी और पास जाकर देखने पर वहां 2 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए दिखाई दिए। रेत तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए चालक मालक के साथ हमाल पर भी अपराध दर्ज किया गया है। सी टीवी न्यूज हर कदम खबर में यहाँ थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।